गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. टुडे द डेट इज़ 31st August 2020 एंड द डे इज़ मंडे. वी आर इन द केमिस्ट्री क्लास, क्लास 9th. वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6 विच वॉज अबाउट द सोल्यूशन. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. Each solution consists of two components, solute and solvent. हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. जो हमारे पास स्मॉलर क्वान्टिटी में जो चीज़ प्रेजेंट होगी सोल्यूशन में उसे हम लोग सोल्यूट कहते हैं, और जो लार्जर क्वान्टिटी में प्रेजेंट होती है उसे हम लोग सॉल्वेंट का नाम देते हैं. द सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट में एग्जिस्ट एज गैस, लिक्विड और सॉलिड. सो depending upon the nature of solute and solvent, different types of solution may form which are given in table 6.1. हमारे पास solute और solvent को कह रहे हैं गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं. हाईलाइट करें इस लाइन को. हमारे पास जो टेबल 6.1 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन विद एग्जाम्पल सोल्यूट गैस, सॉल्वेंट गैस, एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन एयर, mixture of hydrogen and helium in weather balloons, mixture of nitrogen and oxygen in cylinders of for respiration. अगर solute हमारे पास गैस है और solvent हमारे पास liquid होगा तो examples क्या होंगी, oxygen in water, carbon dioxide in water. अगर solute हमारे पास गैस है और solvent हमारे पास solid है तो एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लैटियम, प्लैटियम इज़ अ कैटलिस्ट. सोल्यूट अगर लिक्विड है एंड सॉल्वेंट इज़ अ गैस, वी हैव द एग्जाम्पल मिस्ट, फॉग, लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स. सोल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टॉलिन. इफ़ वी हैव सोल्यूट लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड, वी हैव बटर एंड चीज़. If we have solid as a solute and solvent as a gas, we have the example like dust particles or smoke in air. If we have solute as in the form of solid and solvent is a liquid, then we have sugar in water. And at last, we have solid as a solute and solvent is a solid, then we have metal alloys like brass, bronze and opals. यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, गैस, लिक्विड और सॉलिड. इसकी ऑल मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट होगा तो उसके हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे. इट्स एन इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू लर्न इट. नेक्स्ट वी हैव टेस्ट योर सेल्फ 6.1. वाई इज़ अ सोल्यूशन कंसिडर्ड मिक्सचर. Note down the answer. A solution is considered a mixture. This is because in the formation of solution, two or more substances are mixed in no fixed proportion. The combination is merely a physical mixing. Components may be separated by physical means. A solution shows the properties of its components. Question number 2. Distinguish between the following pairs as compound or solution. Water and salt, vinegar and benzene, carbonated drinks and acetone. A part, water and salt solution. Water is compound and salt solution is solution. Vinegar and benzene. Vinegar is a solution and benzene is a compound. Carbonated drinks and acetone. Carbonating drinks is a solution and acetone is a compound. Question number 3. What is the major difference between a solution and mixture? A solution exists in one phase whereas a mixture exists in two or more phases. A
एज वी नो डैट अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आप इसके अंदर इसे कोई सी भी एग्जांपल लिख सकते हैं, हम लोगों ने पीछे डिस्कस की है। जबकि जब मिक्सचर है इसकी भी हमने ये कहा था कि इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो आप इसकी भी कोई सी भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ये आपकी मिक्सचर की एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में भी दी गई है। आप वहाँ से भी मिक्सचर की एग्जांपल को इसके अंदर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर द अलॉयज कंसिडर्ड सॉल्यूशन? आंसर, अलॉयज आर कंसिडर्ड सॉल्यूशन बिकॉज दे एग्जिस्ट ओनली इन वन फेज, ठीक है। अलॉयज ओनली इन वन फेज में एग्जिस्ट करती हैं, देयर फॉर दे आर कंसिडर्ड अ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, डेड सी इज सो रिच विद सॉल्ट्स डैट इज फॉर्म्स क्रिस्टल्स व्हेन टेम्परेचर लॉर्स इन विंटर, कैन यू कमेंट व्हाई इज इट नेम्ड एज डेड सी? आंसर, इट इज नेम्ड एज डेड सी बिकॉज नो वन ड्रॉन इन इट ड्यू टू हैवी कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। हैवी कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट की वजह से कोई भी इसके अंदर डूब नहीं सकता, इसकी वजह से इसको डेड सी का नाम दिया जाता है। इन द नेक्स्ट इज द कंसनट्रेशन यूनिट्स। कंसनट्रेशन यूनिट्स इज द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। इट इज ऑल्सो द रेशियो और अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। कंसनट्रेशन यूनिट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वह कह रहे हैं कि ऐसे कंसनट्रेशन किसे कहते हैं जब हमारे पास सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं और दोनों की अगर हम लोगों ने रेशियो निकालनी हो, हमें पता होना चाहिए कि सोल्यूट किस कितने रेशियो है और सॉल्वेंट की क्या रेशियो है, तो उसके लिए हम लोग यूनिट्स यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग कंसनट्रेशन यूनिट का नाम देते हैं। प्लीज़ कीप इन माइंड डैट कंसनट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। ये टोटल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये सोल्यूट और सॉल्वेंट की रेशियो पर डिपेंड करता है। For example, a sample taken from the solution will have the same concentration. There are various types of units express concentration of units. A few of these units are discussed here. ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ यूनिट्स दिए गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये इनको हम लोग फाइंड आउट यूज़ करते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट की रेशो को फाइंड आउट करने के लिए। इन यूनिट्स को हम लोग वी विल डिस्कस दिस यूनिट्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। इट वॉज आवर ओवरऑल टूडेज लेक्चर। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन हाईलाइट द प्रॉब्लम एंड कैन आस्क। थैंक यू।